नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा। आज से 500 साल पहले उड़ीसा के पांच महान संतों ने लिखे थे भविष्य मालिका, ग्रंथों की मालाएं यानी मालिका। भविष्य के ऊपर जो लिखा गया है ग्रंथ, उसको कहते हैं हम भविष्य मालिका। ऐसे भविष्य मालिका, पर्टिकुलर भविष्य मालिका नाम पर कोई ग्रंथ नहीं है। जो ग्रंथ भविष्य के बारे में लिखा गया है उसको हम भविष्य मालिका समझते हैं। भविष्य मालिका भी ये लिखा है कि युग के अंतिम कालखंड में प्राकृतिक आपदाएं भी होंगे, भूकंप, महामारी, बाढ़, सुनामी, ऐसे जो प्रकृति का रौद्र रूप हमें देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी डरावना भी है। तो बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो समय समय पर कमेंट करते हैं, क्या भविष्य मालिका में केवल ही केवल डरावना चीज़ें जो है उसके बारे में लिखा गया है, या फिर उसमें कुछ और भी अच्छा चीज़ें हैं जो भक्तों तक पहुंचना चाहिए। इसके बारे में आज का चर्चा हमारी टीम आके पहुंच चुका है कोलकाता में। हमारे साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर दीपक अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो फिर आपका रिसर्च क्या कहता है, केवल ही केवल मालिका में, भविष्य मालिका की अगर हम बात करें तो उसमें क्या डरावना चीज़ें ज़्यादातर लिखा गया है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ पा रहा है? मैं जैसे बाकी सब हमारे दर्शक हैं वैसे ही मैं भी एक दर्शक हूं, आपका चैनल फॉलो करता हूं और भविष्य मालिका को फॉलो करता हूं। लेकिन आपका रिसर्च काफ़ी अच्छा है। बस उसी को मैं लॉजिक में थोड़ा सा नाप तोलता हूं। तो मेरा एक देखने का नज़रिया है कि आज पंचसखा बहुत महान संत थे, और वो कोई भी संत जब भी वो कुछ करेंगे समाज के कल्याण के लिए करेंगे। तो मेरा दिमाग में जब भी मैं भविष्य मालिका के बारे में देखता हूँ तो एक तरह का मेरे को ये प्रयास रहता है कि वो क्यों लोगों को डराएंगे। जो लोगों की धारणा हो रखी है, लोग उनके जो भविष्य का जो प्रेडिक्शंस है, बोलेंगे वो जो भविष्यवाणियाँ हैं, उनसे लोग डर रहे हैं। और डर के कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने काम को वो डिले कर रहे हैं, देर से करेंगे, कुछ अपनी प्लान्स को, अपने जो उनका जो प्लानिंग था उस शेड्यूल को चेंज कर रहे हैं और डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो उस चीज़ को देख करके मुझे लगता है कि वो कभी भी वैसा सोचे नहीं होंगे लिखने वालों ने कि लोग अपना काम बंद कर दें, अपने कर्म करना बंद कर दें या डरें इससे। तो अब हमें उस चीज़ पे सोचना है कि वो कल्याणकारी बातें क्या हो सकती है। ये मैं दर्शकों को भी अनुरोध करूंगा कि वो भी लिखें आपके कमेंट्स में कि भाई क्या कल्याणकारी बातें हो सकती है। हमें उसका दूसरा पट देखना है कि भाई उसमें क्या कल्याणकारी है। तो अब ये है कि मेरी समझ में जो आ रहा है कि उनके दो चार पांच मैसेजेस हैं जो मैं लॉजिकली मैं समझ पाया हूँ या सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, दर्शक बताएं। पहला मैसेज तो ये है कि ये युग परिवर्तन होगा, युग का परिवर्तन होगा, ये मैसेज मिल रहा है कि भाई ये कलयुग यहाँ ख़त्म होगा और उसके बाद में एक नया युग आएगा जिसमें सारी आत्माएं स्वच्छ होंगी और बहुत अच्छी आत्माएं होंगी और उसमें कोई छल कपट वाला चीज़ नहीं होगा। तो ये एक मैसेज है, इसका मतलब हमें खुश होना चाहिए कि एक नया युग में सारी हम जा रहे हैं और कुछ सिलेक्टेड आत्माएं जाएंगी। तो इसका मतलब वो 600 साल पहले आपको ये कर रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, या आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप अपनी आत्मा को सुसज्जित करो, अच्छे गुणों से सुसज्जित करो। तो जैसे हम कोई फंक्शन में जाते हैं, कोई विवाह के में जाते हैं, तो हम अपने आप को सजाते हैं, अच्छे से अच्छे सुंदर कपड़े पहनते हैं, सुंदर गहने पहनते हैं, मेकअप लेते हैं, मेकअप करते हैं, तो हम जाते हैं और हमारी इच्छा रहती है कि हम सबसे अच्छे दिखें। तो वैसे ही भगवान भी जो अपना एक नया युग में एक नए संसार का वो करेंगे, सृजन करेंगे, तो वो भी चाहेंगे कि सिलेक्टेड लोग जाएं वहाँ पे।
तो वो सिलेक्टेड मैसेज है आपके लिए कि आप भी अपने आप को तैयार करो, अपने आप को अपना साधना करके या जैसे भी भक्ति करके, अरे अपने प्योरिटी लाओ, अपने में शुद्धता लाओ और आप उसमें पार्टिसिपेट करो। आज राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हम आपको तो इनविटेशन नहीं मिला, जो समाज के VIP लोग थे वही गए, उनको मिला। तो वैसे ही अलौकिक परिवर्तन, हाँ, युग परिवर्तन होगा तो सिलेक्टेड आत्माएं जाएंगी, जो आत्माएं एकदम शुद्ध होंगी, जो अच्छी होंगी वही जाएंगी, वही एक अच्छा समाज को, से भी शुद्ध होंगे, विचार सबसे शुद्ध होंगे, सबसे शुद्ध होंगे। तो वो शुद्धता के लिए आपको मैसेज 600 साल पहले मिल गया कि आप तैयारी शुरू कर दो। जैसे एग्जाम के लिए हम तैयार करते हैं, पढ़ाई होती है, साल भर बाद हमें एग्जाम देना होता है, तो अभी एग्जाम का टाइम, एग्जाम पास करते हैं, तो अभी जो भविष्यवाणी का अगर सही इंडिकेट कर रहा हूँ मैं या सही समझ पा रहा हूँ, तो हमें वो मैसेज मिल रहा है कि आप एग्जाम, आप एक परीक्षा की तैयारी करो, परीक्षा के बाद में आप अगली क्लास में जाओगे, अगले युग में जाओगे। तो मैसेज ये अच्छा क्लियर है। और दूसरा मैसेज मेरे हिसाब से ये है कि आज अगर अपने गीता का एक छोटा सा वृत्तांत को लें कि जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं और सामने में अर्जुन देखता है कि भाई हमारे सारे सखा हैं, गुरु हैं सब, और जो संबंधी है, संबंधी सब खड़े हैं और मैं इनको मारूंगा या हत्या करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक राज्य के लिए मैं क्यों हत्या करूं। पर उसको एक, मैं कहूंगा कि एक अनजाने में अहंकार हो गया कि मैं, मेरे कारण ही वो मरेंगे और मैं इतना अच्छा धनुर्धर हूं और जितने सारे यहां पे योद्धा हैं, हाँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, तो अब वो मैं इसका कारण बनूंगा, उनकी मौत का कारण मैं बनूंगा। तो और वो वहां पे एक तरह से वो वहां से प्लस उसके मन में एक ऐसा विचार आया कि वो भाई मुझे क्या फायदा होगा, निकल रहा था, वॉकआउट कर रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने, चूंकि वो श्री कृष्ण जी का उन पे बहुत ज्यादा स्नेह था, तो श्री कृष्ण जी ने अपना जब विराट रूप दिखाया उनको, तो विराट रूप में उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है इस रूप के अंदर में, कि एक तरह से जन्म ले रहा है और एक तरह से आदमी मृत्यु हो रहा है और सारा चीज जो ईश्वर कर रहे हैं और इसमें कोई का दूसरे का बाहरी हस्तक्षेप है नहीं, तो उसको समझ में आ गया कि भाई मैं कुछ भी इस चीज़ का कारण नहीं हूँ, ना तो मैं युद्ध कर रहा हूँ, ना मेरे कारण किसी की मृत्यु होगी, ना मेरे कारण किसी का जन्म होगा या कोई भी, जो भी है सब भगवान करा रहे हैं, बस प्रभु कर रहे हैं और मैं तो एक छोटा, तो वो श्री कृष्ण ने अपनी सारी जो उसमें संदेश में उन्होंने ये भी कहा कि भाई तुम्हारे ड्यूटी सिर्फ कर्म करने का है, फल का तुम्हारा ये नहीं है, तुम इच्छा भी मत करो फल की, वो देने का जो है मुझे ही देना है, बस कर्म जो करो। तुम अपना कर्म करो। तो वैसे ही ये भी भविष्यवाणी का भी आपको वही इंडिकेशन कर रहा है कि एक नया युग का स्थापना होगा, उसमें कुछ सोल जाएंगे और आप अपना कर्म करते रहो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। सही बात, एक मिनट बाद क्या होगा वो अभी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, तो डर के क्या फायदा। रोज जन्म हो रहा है, रोज लोग मृत्यु हो रहा है, जो मृत्यु हो रहा है उसके लिए संसार खत्म है और जन्म हो रहा है उसके लिए नया संसार है, तो डर के क्या फायदा, वो तो चल रहा है क्रिया, नया वर्ल्ड रोज क्रिएट हो रहा है, नया वर्ल्ड रोज बंद हो रहा है, तो भय तो करके फायदा नहीं, उनका मैसेज भय का नहीं है, उनका मैसेज ये है कि नए युग का संरचना होगा, उसके लिए आप तैयारी करो और आपको एग्जाम के लिए वो पहले ही आपको सिलेबस दे दिए हैं कि भाई ये 600 साल पहले सिलेबस दे दिए तैयारी करने के लिए, तो आप अपनी तैयारी करो और नए युग में जाओ, ये मैसेज है। प्लस एक और कितना बड़ा मैसेज है, 5000 साल बाद एक नया अवतार का जन्म हो चुका है, जो अगर मैसेज सही है तो अवतार उसके इंडिकेशन मिल रहे हैं, आज अपने राम मंदिर अभी बन रहा है, 500-600 साल तक नहीं हुआ, इतने लोग उसके लिए लड़े और उन्होंने शहीद हुए, कई लोगों ने इतना युद्ध किया उसके लिए और कोर्ट में केस चला, सब कुछ चला, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा था और आज की डेट में हो रहा है, इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको इसको करने पे आपको सहायता कर रही है, और वो भी शांतिपूर्ण वातावरण से। प्लस अभी अपने प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, पावरफुल इकोनॉमी हो जाएंगे, तीसरी समृद्ध इकोनॉमी में आ जाएंगे, तो ये सोच, ये आपका दम आ रहा है, आप में ताकत आ रही है सोचने की कि आप हो जाओगे, तो ये जो चीज़ें आप पहले तो कभी हमने देखी नहीं, एक समय था भारत इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा था सक्षम नहीं था हरदम, लेकिन आज जो है समय बदल चुका है, अभी भी हम लोग अगर
वेस्टर्न कंट्रीज जो पश्चिमी देश हैं उनको अगर देखें तो वो हमको अभी डेवलपिंग इकोनॉमी बोलते हैं कि हम लोग अभी अभी डेवलप नहीं हुए, हम लोग विकसित नहीं हुए, विकास डेवलपिंग डेवलपिंग अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो अभी कहा जाए तो की ओर हम जा रहे हैं, पर अभी हमने ऐसे से आज चांद पे एक अपने भेज चुके, आज चंद्रयान 2 भेज दिया और वो भी सक्सेसफुल हो गया, विश्व अचंभित है कि कैसे हो गया, तो उसके पीछे किसी शक्ति का हाथ है। सूर्यायन भी हम छोड़ रहे हैं, सूर्यायन भी छोड़ रहे हैं, जो ऐसी ऐसी चीजें अब पिछले कुछ सालों में इजाद हो रही हैं जो कि हम भारतवासियों को भी आश्चर्य में डाल रही है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम तीसरी इकोनॉमी बन सकते हैं, क्या हम ऐसा पावरफुल कंट्री बन सकते हैं जिसे आज चाइना अमेरिका भी घबरा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पे कुछ तो हुआ है, कोई तो शक्ति आई है जिसके कारण ये चीज़ संभव हो पा रही है। वो शक्ति तो आज कृष्ण जी अर्जुन के संग में थे पर वो युद्ध नहीं किए, वो थे, उनका रहना ही वो जीत का ये हो गया। तो इसके बाद एक शक्ति, इसका मतलब ये इंडिकेट हो रहा है कि एक शक्ति आ चुकी है, तो वो इंडिकेशन उन्होंने भविष्य मलिका में 600 साल पहले कह दिया कि एक अवतार आ रहे हैं जो 64 कला मेरे हिसाब से वो होंगे पूर्ण, सब पूर्ण अवतार होंगे। आज तक जितने भी आए वो 64 कला संपन्न नहीं थे मेरे हिसाब से, मुझे जानकारी, तो वो इतने बड़े अवतार का मैसेज दे रहे हैं और हमारे रहते हुए वो आ रहे हैं, अगर इस युग में वो आ रहे हैं तो कितना भाग्य का अब बात है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर कभी भी कोई ऐसा संसार का युग नहीं आया जिसमें कि जन्म मृत्यु नहीं हुई हो, मृत्यु भी हुई है, जन्म भी हुआ है, तो अभी भी होगा, पर इस समय वो अवतार पुरुष अगर जन्म लेते हैं तो हमारे लिए तो बहुत भाग्य की बात होगी कि जो ये पूरा ब्रह्मांड के भक्त हैं, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं वो मानव स्वरूप में आएंगे। सही बात। तो ये एक सेकंड मैसेज है कि भाई पॉजिटिव मैसेज है, इसमें घबराने का क्या बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो लेकिन बात ये भी है, देखिए मालिका के जो हमारे रिसर्चर हैं वो उनका ये मानना है कि भविष्य मालिका में ये भी लिखा है कि प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगा। इस पॉइंट पे मैं आ रहा था, अभी आपने देखा होगा या अगर अपने ध्यान दें कि अपने रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, उसके अंदर में रामायण में हमने क्या देखा कि रामचंद्र जी वानर सेना ने रावण के संग युद्ध किया। सही बात है। तो वो रामायण में भी वो जो रावण का भी समझ लीजिए, श्रीलंका आज के मैप में बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, और उसमें जो युद्ध हुआ समझ लीजिए दो, मैंने रावण को भी मैं बोलूँगा एक अलौकिक वो था, पंडित था वो, उसके कारण बहुत सारे उसमें पावर थी, उसके अंदर बहुत सिद्धियाँ थी, स्पिरिचुअल स्ट्रांग थी, पर सिर्फ क्या हुआ कि वो अहंकार में आ गया कि मेरे से ताकतवर, और उनको वरदान भी प्राप्त, वरदान भी प्राप्त था, तो वो एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो अहंकार, इतना अहंकार में आ गया कि वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा था। तो वो अहंकार को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने रामचंद्र जी का जन्म लेकर के वो अवतार पुरुष आके उन्होंने उससे लड़ा, तो वो एक लड़ाई अलग लेवल की थी। उस लड़ाई में कहीं भी आपने देखा होगा कि प्रकृति का कहीं माध्यम नहीं था, कोई वो नहीं था, वो युद्ध था दो अलौकिक दिव्य, दो दिव्य समझ सकते हैं कि पुरुषों के बीच में था। महाभारत में फिर भी कुछ सेनाएं थी, उसमें भी एक तरफ समझ लीजिए कौरव और एक तरफ पांडव थे, भगवान पांडवों के संग में थे, तो वो भी सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, उसमें भी प्रकृति का कोई सुनामी और वो क्या नाम भूकंप वो सब का कहीं अपने चर्चा नहीं था, नहीं था। पर भविष्य मल्लिका में एक बहुत ही सांकेतिक रूप से बार बार विवरण आ रहा है कि वर्ल्ड वार होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, और उसके संग में प्राकृतिक का भी बहुत बड़ा दुर्योग होगा जिसके अंदर सुनामी भूकंप और जो सूर्य की तरफ से ऐसी खतरनाक किरणें आएंगी कि इंटरनेट उड़ जाएगा, सैटेलाइट खराब हो जाएंगी, तो प्रकृति का भी बरोबर का इस विनाश लीला में हाथ होगा। तो अब सवाल ये है कि प्रकृति का किस लिए होगा, प्रकृति का, क्योंकि पिछले युद्धों में तो प्रकृति का इतना हाथ नहीं था। तो मेरी जो लॉजिक बोलता है, मेरी जो सोच बोलती है, हमने ऐसा क्या किया है, पाप किया है इस युग में कि प्रकृति भी हमारे ऊपर में रौद्र रूप दिखाएगी। तो मैं साधारण
एक हिसाब से अगर आपने सोचें कि नॉर्मल व्यवहार में हम किसे पाप कहते हैं, सबसे बड़ा पाप किसे कहते हैं? किसी की हत्या कर देना, किसी की हत्या कर देना या किसी को धोखा देना या किसी की प्रॉपर्टी छीन लेना, कुछ इसी टाइप का।